सागर में राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सीएम राइज स्कूल का भूमि पूजन किया। 23 करोड़ की लागत में बनने वाला ये स्कूल सारी सुविधाओं से युक्त होगा। सीएम राइज स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय पहल है, जहां निजी स्कूलों से भी अच्छी शिक्षा और सर्व सुविधा युक्त सुविधाएं बच्चों को दी जाएगी। इस स्कूल में 60 से अधिक क्लासरूम तैयार किए जाएंगे, जिसमें 2300 से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययन कर सकेंगे। गोविंद सिंह राजपूत ने विधानसभा क्षेत्र के जैसी नगर में सीएम राइज स्कूल के भवन का भूमि पूजन किया। यह स्कूल 33 करोड़ की लागत से निर्मित होगा। इस दौरान राजपूत ने कहा कि सीएम राइज स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय पहल है, जहां निजी स्कूलों से भी अच्छी शिक्षा तथा सर्व सुविधा युक्त व्यवस्था बच्चों को दी जाएगी। सभी वर्गों के विकास के लिए भाजपा सरकार कार्य कर रही है। सभी पढ़े, सभी आगे बढ़े। और आने वाली 5 फरवरी संत रविदास जयंती से संपूर्ण मध्य प्रदेश में विकास यात्राएं प्रारंभ कर रही है, जिसके माध्यम से भूमि पूजन, लोकार्पण एवं अन्य विकास के लिए कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विकास यात्रा में ग्रामीण क्षेत्र की अन्य समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। साथ में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में 80% से अधिक अंक लाने वाली छात्राओं के लिए ₹1,000 मंच के माध्यम से प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान किए जाएंगे। माताएं भी आए, बच्चों के पिता भी आए, बच्चों के भाई भाभियां भी आए, बेलोग अपनी आंखों से देखें कि कितनी बड़ी बिल्डिंग स्कूल आपके लिए आज हम जयसी नगर में देने जा रहे हैं। गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि जैसी नगर अत्यंत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, लेकिन भाजपा सरकार ने जैसी नगर में विकास के रास्ते खोले। जैसी नगर में बड़े बड़े भवन, स्कूल, कॉलेज, स्टेडियम और चहुं और विकास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा के मंदिर में भूमि पूजन में छात्र छात्राओं के साथ उनके अभिभावक साक्षी बने हैं। राजपूत ने कहा कि सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके माध्यम से सभी वर्गों की बहनों को ₹1,000 प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी छात्र छात्राएं अच्छा पढ़ें, जिससे कि सुर्खी के साथ सागर का नाम मध्य प्रदेश के शिक्षा पैटल पर अंकित हो। उन्होंने कहा कि मंत्री कप क्रिकेट प्रतियोगिता में 700 से अधिक टीमें क्रिकेट मैच खेल रही हैं, जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में आने वाली अप्रैल माह में बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृषि शास्त्री की कथा आयोजित की जाएगी, जिसका सभी धर्म लाभ प्राप्त करें। ₹1,000 मिलना शुरू हो रहा है, हर लाडली बहना के लिए, वो किसी समाज की हो, गरीब हो, मध्यम वर्गी हो, हर लाडली बहना को ₹1,000 महीना उसके खाते में जाएगा। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घोषणा कर दी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।